अस्सलाम वालेकुम। जी स्टार्ट कर रहे हैं। F6TX यूके टैक्सेशन पेपर का नेम है। करीब आज से 12 साल पहले, ऑलमोस्ट 2008 या उससे पहले, इस पेपर का नाम था बिजनेस टैक्स, और फिर उस पे नाम चेंज होके टैक्सेशन हो गया, सिर्फ टैक्सेशन हो गया, राइट। तो ये बिजनेस टैक्स से टैक्स क्यों हुआ, उसकी वजह ये थी कि उस दौर में कुछ प्राइवेट लाइफ के इश्यूज इस पेपर के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे, इस पेपर में शामिल हो गए थे, राइट। ओके, जैसे हस्बैंड वाइफ को कोई गिफ्ट दे, वाइफ हस्बैंड को कोई गिफ्ट दे तो ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें आ गई थी। इसी तरह जो रहने वाला घर है, जिस घर में हम लोग रहते हैं, उस घर की ट्रीटमेंट्स वगैरह भी अब हमारे कोर्स का पार्ट है। तो पहले 12 इयर्स बैक बिजनेस टैक्सेशन इसका नाम था, और अब नाम है सिर्फ टैक्सेशन, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैंने आगे लिखा हुआ यूके टैक्सेशन, ये बात बहुत अहम है, गौर से सुन लें। पिछली अटेम्प्ट में कुछ बच्चों ने गलती की है कि उन्होंने पेपर फीस पे करते वक्त पाकिस्तानी टैक्स, पीके टैक्स की फीस पे कर दी, और फिर जब एंड में उनको पता लगा तो एसीसीए वालों ने उनकी पेपर भी शिफ्ट नहीं किया, उनकी एग्जामिनेशन फीस भी जाया हुई, अटेम्प्ट भी जाया हुई, और सब सारी चीजें तहस नहस हो गई। तो ख्याल रखना बेटा, हम लोग यूके टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, कभी नहीं भूलना। जब आप लोग अपना पेपर रजिस्टर्ड करा रहे हो तो यूके टैक्सेशन में आपने करना है, डोंट फॉरगेट दिस। ओके, नाउ अब टैक्स का पेपर, ये जो F6 का पेपर है, ये पार्ट टू के, ACCA पार्ट टू के उन पेपर्स में लाया करता है जिनका हाईएस्ट पासिंग रेट है, यानी पिछले कई सालों से जो हाईएस्ट पासिंग रेट, इंटरनेशनल पासिंग रेट में जो हाईएस्ट पासिंग रेट वाला पेपर है, वो ये टैक्सेशन का पेपर है, राइट। तवज्जो फरमाइएगा प्लीज। तो मैंने यहाँ पासिंग रेट आपके सामने लिखा है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट्स 49%। दिसंबर 19 का पासिंग रेट था 49%। उससे पहले वाली अटेम्प्ट में भी 46-48% तक का पासिंग रेट रहता है, यानी मैं शॉर्टकट में बोलूं तो 45 से ज्यादा और 50 या 50 से ज्यादा करीब करीब इसका पासिंग रेट होता है। तो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए ये पासिंग रेट एक्सेलेंट है, आउटस्टैंडिंग है, सही, बहुत अच्छा पासिंग रेट है। क्योंकि हमारे ACCA में कुछ पेपर ऐसे भी हैं जैसे F5 वगैरह का 35%, 37% तक पासिंग रेट होता है, 38%, तो उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा पासिंग रेट है। तो पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर ऐसा है जो निकल जाता है, लेकिन हाँ, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेपर में जरा इश्यूज ये हैं कि इसमें याददाश्त का गेम बहुत है, इसमें छोटी 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 याद करने की चीजें ज्यादा है। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोग के लिए यही होगी कि गो विद द क्लास, हर क्लास के बाद चीजें रिकॉल करें, रिवाइज करें, स्पेशली व्हेन यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, तो आपको ना ट्रांसपोर्टेशन का टाइम वेस्ट हो रहा है, ना आपको कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो, घर पे बैठे हुए यार बस, तो आपका एक अच्छे खासे आवर्स बच जाते हैं ट्रेवलिंग के, तो वो आवर्स आप इन्वेस्ट करें अपनी स्टडीज पे, सही है। तभी ऑनलाइन के स्कोर्स और ऑनलाइन का रिजल्ट फिजिकल क्लास से भी नॉर्मली ज्यादा आ रहा होता है, क्योंकि बच्चों के पास टाइम बहुत सेव हो जाता है, ठीक है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड बेटा, सवाल ये कि सर इस पेपर का फॉर्मेट क्या है? जवाब, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर होगा, तीन सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आपके सामने बोर्ड नजर आ रहा है, गौर से देखें स्क्रीन पे, सेक्शन ए बी एंड सी। सेक्शन ए में यू विल हैव 15 MCQs एट द रेट 2 मार्क्स ईच, तो 30 मार्क्स का सेक्शन ए होगा। सर ये MCQs कहाँ से आएंगे? कहीं से भी एक पेपर के आ सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इसकी गाइडेंस नहीं है, पूरी बुक में से, पूरे पूरे कोर्स में से कहीं से भी ये 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 15 क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है, राइट। देन सेक्शन बी, 3 OT केसेस आएंगे एट द रेट 10 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स। साहब ये क्या है बेटा, आप लोगों ने F3 का पेपर दिया होगा, F2 का, तो F3 का पेपर में याद है लास्ट 15, लास्ट 30 मार्क्स, 15-15 मार्क के 2 OT केस आते थे। कैसे होते हैं OT केसेस? उसमें एक पूरा केस गिवन होता है और नीचे 5 या 4 या 5 MCQs या ब्लैंक्स गिवन होते हैं उस केस से रिलेटेड। तो यहाँ ऐसे 3 OT केसेस आएंगे। सर इन 3 OT केसेस का कोई एरिया डिफाइंड है? हाँ, नॉर्मली ये वैल्यू एडेड टैक्स से आते हैं, एक वैल्यू एडेड टैक्स से आ सकता है, एक ओटी केस, एक कैपिटल गेन टैक्स से आ सकता है, CGT, और एक आ सकता है इनहेरिटेंस टैक्स से। तो
तो ये तीन एरियाज इसमें वो 30 मार्क्स के पूछ सकता है, VAT वैल्यू एडेड टैक्स, CGT कैपिटल गेन टैक्स और IHT इनहेरिटेंस टैक्स। ओके नाउ याद रहे कि ये सेक्शन ए और बी मेक्स टोटल 60 मार्क्स। इन दीज 60 मार्क्स देर इज नो प्रेजेंटेशन। ये 60 मार्क्स सिर्फ टिक टिक करने वाले हैं, इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। प्रेजेंटेशन यू पेपर पे करके टिक टिक करना होगा, राइट। सेक्शन सी वो एरिया जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स एरिया, CRA, जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको प्रेजेंटेशन पूरी समझ लो शॉर्टकट में एक्सेल पे या स्प्रेडशीट पे करनी होती है। तो इसमें यू विल हैव 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क का एक सवाल आता है और 15-15 के दो आते हैं, देख लें स्क्रीन पे। 10 मार्क का एक और 15-15 के दो। जो 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता है वो पूरी बुक में से कहीं से भी आ सकता है, उसकी कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन 2 एंड 3 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो 15-15 मार्क के हैं, उसमें से एक इंडिविजुअल्स के ऊपर आएगा और एक कंपनी से आएगा। एक इंडिविजुअल से आएगा और एक कंपनी से आएगा। इंडिविजुअल से क्या मुराद बेटा, एक इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो उसकी बिजनेस इनकम होगी, अगर ट्रेडिंग कर रहा है बिजनेस कर रहा है तो उसकी इनकम कौन सी इनकम होगी, बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम का सवाल इसमें आ सकता है। एक इंसान अगर जॉब कर रहा है तो उसकी इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी, तो एम्प्लॉयमेंट इनकम का सवाल भी इसमें आ सकता है। एक इंसान ने अगर अपने पैसे बैंक में रखे हुए हैं तो वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, वो इसमें आ सकती है। एक इंसान ने लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वहां से डिविडेंड इनकम आ रही होगी, वो इसमें आ सकती है। तो इंडिविजुअल का कोई भी एरिया क्वेश्चन नंबर 2 में आ सकता है, राइट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में कंपनीज का टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। बेटा आप सबने F3 पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि कुछ इदारे एज अ कंपनीज ऑपरेट करते हैं, यानी लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में ऑपरेट करते हैं, सही है। तो उसमें इंडिविजुअल्स के पास उसके शेयर्स होते हैं और बाकी पूरा बिजनेस कंपनी के नाम से रन हो रहा होता है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स भी हमारे कोर्स का पार्ट है, तो वो भी इसमें आ सकता है, वो भी 15 मार्क्स में आएगा, राइट। तो ये आपके पूरे 100 मार्क्स हो जाएंगे और इस 100 मार्क्स में देर इज नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है। जो अभी लेटेस्ट लेटेस्ट जो चेंजेस आई हैं, यानी जो जब से नया फॉर्मेट आया उसके बाद कोई पेपर में चॉइस नहीं है, देर इज नो चॉइस। ओके तो 100 मार्क्स पूरे कंप्लीट आपने अटेम्प्ट करने हैं, पासिंग मार्क्स 50 है, राइट। तो ये आपके सामने एक अदद पेपर फॉर्मेट हो गया है। देन गोइंग फॉरवर्ड सर, कोर्स मटेरियल क्या होगा ये देख लो। कोर्स मटेरियल क्या होगा, एक हमारी MHA की बुक होगी जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। सेकंड होगी MHA की बुक के अंदर एंड में मेरे शॉर्ट नोट्स भी होंगे जिसको आप रिकॉल कर सकते हो, जिससे आप पूरी चीजें रिकॉल कर सकते हो, और मेरे अपने क्वेश्चंस भी होंगे साथ साथ। सेकंड आपने कैपलिन की एग्जाम किट लेनी है और फिर थर्ड आपने लेनी है कैपलिन की स्टडी टेक्स्ट, ठीक है, राइट। स्टडी टेक्स्ट ऑप्शनल है, अगर आपकी आदत है तो पढ़ो, मैं फिर बोल रहा हूं यहां स्टडी टेक्स्ट फर्ज नहीं रखी, स्टडी टेक्स्ट इज ऑप्शनल। अगर पढ़ते हो तो अच्छी बात है, वैसे ऑनलाइन वालों के पास टाइम होता है तो वो स्टडी टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, पढ़े तो अच्छी बात है, उसमें और सवाल आपको मिलेंगे छोटी छोटी और बुक रीडिंग से रिकॉलिंग भी हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये दो चीजें होनी चाहिए, MHA की बुक विच इज मस्ट और कैपलिन की एग्जाम किट, ठीक है, राइट। मैं आप लोग को ये भी गाइडेंस करता रहूंगा कि मार्केट में एग्जाम किट कब अवेलेबल है। अब नाउ लिसन, यहां देखें हम आज फर्स्ट क्लास में सिर्फ ये नहीं है कि हमने पेपर फॉर्मेट डिस्कस कर लिया और क्लास ऑफ, मैं एक चैप्टर भी डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूके टैक्स, इंट्रोडक्शन टू यूके टैक्स, राइट। ये 3 से 4 पेज का छोटा सा चैप्टर है, आपके बुक अगर जो लोग बुक लेंगे तो बुक में उनको पहले ही चैप्टर में नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बिफोर मूविंग ऑन मैं आपको एक दो चीजें बेसिक बता दूं। आप लोगों ने बचपन में ये दो नाम सुने थे जब F3 पढ़ रहे थे, F3 में भी टीचर बताते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों नाम बेटा आप लोगों ने सुने हुए हैं। मैं जस्ट रिकॉलिंग के लिए बता देता हूं, पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम पे चार्ज होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम पे चार्ज होता है, यानी उसका बर्डन उस पर पड़ता है जो कमा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर एक बंदा ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है तो उसकी जो इनकम होगी वो बिजनेस इनकम है, तो अब बिजनेस इनकम इनकम है ना, तो उस ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम पे जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। एक बंदा जॉब कर रहा है तो उसकी इनकम होगी एम्प्लॉयमेंट इनकम, उस एम्प्लॉयमेंट इनकम पे भी जो टैक्स है वो भी डायरेक्ट टैक्स है।
एक बंदे ने अपने पैसे बैंक में रखवा दिए तो वहां से उसे इंटरेस्ट इनकम मिल रही होगी, उस इंटरेस्ट इनकम पे भी जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। एक बंदे ने अपने पैसे लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए तो वहां से उसको डिविडेंड इनकम आ रही है, उस पर भी टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। तो आसान लफ्जों में डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इनकम पे चार्ज हो रहा है, और उसका बर्डन वही बेयर करेगा जो इनकम अर्न कर रहा है, जो इनकम अर्न कर रहा है। सेकेंड, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ओके, अब तवज्जो फरमाइएगा। यहां देखें, आपको इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल बच्चों ने आपने सुनी है, जीएसटी जो हमारे यहाँ सेल्स टैक्स है। जैसे पेप्सी के ऊपर होता है 5 रुपए का जीएसटी, तो जो पेप्सी पीता है उसको बेयर करना पड़ता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन उसी को बेयर करना पड़ता है, वन हु कंज्यूम्स। आप किसी रेस्टोरेंट जाएंगे, डिनर करेंगे, तो उस बिल में जीएसटी लगा हुआ आता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। आपने लेटेस्ट से ये तो मैंने एग्जाम्पल, कोई हॉल बुक कराया शादी हॉल, या आपने कोई होटल का रूम बुक कराया, तो सर्विसेज पे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस, सर्विसेज पे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस। अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है,
और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन वही बेयर करता है, वन हु कंज्यूम, वन हु कंज्यूम, ओके राइट। अब आप अगर इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू यूके टैक्स में जरा सा आगे जाए ना, तो उन्होंने ये बताया है कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है, कोई भी गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है। तो पहली बात तो याद रखना, आप लोगों ने F1 के पेपर में पढ़ा है, मैं जस्ट फॉर रिकॉलिंग बता रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा, आप लोग एक वर्ड पढ़ते थे फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में आपको पता लगता था वेयर मनी कम्स फ्रॉम, गवर्नमेंट का पैसा आता कहाँ से और पैसा लगाती क्या है गवर्नमेंट, वेयर मनी कम्स फ्रॉम एंड वेयर इट गोज टू, याद है ये डायलॉग पढ़ते थे आप लोग F1 के पेपर में। तो गवर्नमेंट के लिए बेटा पैसा कमाने की एक बहुत बड़ी सोर्स जो है वो टैक्स है। सोचो गवर्नमेंट के लिए पैसा कमाने के लिए एक बहुत बड़ी सोर्स जो है वो क्या है, वो टैक्स है, वो टैक्स है राइट ओके। और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन पे स्पेंड करती है, गवर्नमेंट हेल्थ पे स्पेंड करती है, गवर्नमेंट चाय मिल जाएगी, चाय चाय पीनी है गवर्नमेंट ऐसी चाय। एजुकेशन पे स्पेंड करती है, गवर्नमेंट हेल्थ पे स्पेंड करती है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन पे, रोड्स बनाने पे इन्वेस्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गवर्नमेंट आर्मी पे इन्वेस्ट करती है। हाँ तो ये सारे गवर्नमेंट के डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है राइट। तो इसकी पूरी मैनेजमेंट को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब इसी चैप्टर में अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको ये तीन फैक्टर्स नजर आएंगे मेजर, इन पे आज बात करनी है। नंबर वन इज इकोनॉमिक फैक्टर्स, नंबर टू इज सोशल फैक्टर्स, और नंबर थ्री इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यानी इन ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। तो पहला रीजन क्या लिखा है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्या लिखा है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। और से सुनना, अब मैंने जानबूझ के पहले से सारी थ्योरी लिख दी है ताकि इजी हो जाए, मान ले सही है। देखें ये देखें, थ्रू टैक्स, पहली लाइन पढ़ें, थ्रू टैक्स गवर्नमेंट मे सपोर्ट एनी इंडस्ट्री। देखो टैक्स के जरिए गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंपनी को या किसी भी इंडस्ट्री को उठा सकती है और किसी भी इंडस्ट्री को गिरा सकती है। जैसे मिसाल देता हूं, पाकिस्तान में पावर कंपनीज, एग्जाम्पल लिखा हुआ ना पावर कंपनीज, पाकिस्तान में तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा मसला है, बहुत शॉर्टेज है, तो गवर्नमेंट जानबूझ के पावर सेक्टर को थोड़ा सा हेल्प करती है। तो अगर आप ये रियल एग्जाम्पल है हमारी स्टॉक एक्सचेंज की, आप अपनी स्टॉक एक्सचेंज में किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करें, नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो वहां की डिविडेंड इनकम पे अच्छा खासा टैक्स रेट है, समझ लो 15% टैक्स देना पड़ता है डिविडेंड पे। लेकिन अगर आप पावर कंपनीज में इन्वेस्ट करें, जैसे हबको है, कैपको है, डिफरेंट इस तरह की पावर कंपनीज, और पावर कंपनी से कोई डिविडेंड आता है तो उस पर आधा टैक्स देना पड़ता है, 5% या 7.5%। तो गवर्नमेंट ने पावर कंपनीज के डिविडेंड इनकम के टैक्स रेट को कम रखा है। तो इससे क्या होता है, पब्लिक मोटिवेट होती है, एक आम आदमी मोटिवेट होता है पावर कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली पावर कंपनीज के लिए फाइनेंस जनरेट करना आसान नहीं हो जाता होगा, पावर कंपनीज के लिए फाइनेंस जनरेट करना आसान नहीं हो जाता होगा, सोचो। हाँ तो देखो टैक्स के जरिए गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को उठा भी सकती है और किसी भी कंपनी को गिरा भी सकती है राइट। इसी तरह थ्रू टैक्स गवर्नमेंट मे सपोर्ट एनी मार्केट, एग्जाम्पल 2008 स्टॉक मार्केट क्रैश, अगर आप लोगों को याद हो, वैसे तो आप लोग छोटे होंगे उस टाइम, 2008 में अगर आपको याद हो तो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आने के कुछ ईयर से बाद उसी 2008 में स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गई थी, स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गई थी, इतना बुरा क्रैश हुआ था कि उसमें बाकायदा बड़े 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 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे, जैसे आरिफ हबीब को हार्ट अटैक आया था, तो ये बड़ा लेवल का क्रैश था सही। अब क्या हुआ था सुनो जरा, मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ, शायद आप लोगों को तो याद भी ना हो, बहुत छोटे हो गए। जब बुरी तरह क्रैश हुई ना, तो उस मार्केट को सपोर्ट करने के लिए एक दिन हमने टीवी पे देखा कि सुबह न्यूज आई कि आज गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है ना, वो कुछ बड़े बड़े लोगों से, यानी AKD और इन सारे बड़े बड़े सीनियर्स से मीटिंग करेंगे। तो एक बंद रूम में मीटिंग हुई, और जब वो मीटिंग एंड हुई ना, सुनना, तो एक टिकर ये चलने लगा, एक स्लाइड चलने लगी कि अगले 2 साल तक स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्ट करता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स माफ, टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री कर दी थी उन्होंने। सुने तो जैसे ही ये न्यूज आई ना, तो अगले दिन स्टॉक मार्केट में एक झटका लिया, स्टॉक मार्केट एकदम बड़ी थी, कई 100 पॉइंट्स ऊपर गई थी। तो उसकी वजह क्या थी, ये न्यूज बड़ी थी ना कि यार टैक्स माफ हो गया, तो टैक्स माफ करने के जरिए लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं आ गई, जरा सोचो। तो टैक्स के जरिए गवर्नमेंट कई बार मार्केट को सपोर्ट भी कर रही होती है, टैक्स के जरिए किसी भी मार्केट को उठाया भी जा सकता है और गिराया भी जा सकता है। एक मिनट, एक मिसाल और देता हूँ, तुम लोगों को याद होगा आज से 3-4 साल पहले रमजान, एक रमजान था जिसमें प्रॉपर्टी मार्केट में अजाब आया था, यानी प्रॉपर्टी मार्केट में ये रिक्वायरमेंट आ गई थी कि आपका ऑफिशियल पैसा यानी व्हाइट मनी आपको बहुत ज्यादा दिखाना पड़ेगा।
तो उस रिक्वायरमेंट के बाद प्रॉपर्टी मार्केट बुरी तरह गिरी थी, और तब से लेके टू डेट आज तक गिरी भी है। वैसे तो और रीजन भी है प्रॉपर्टी मार्केट के डाउनफॉल के, लेकिन एक मेजर रीजन ये टैक्स था, मुझे पूरा याद है और आप लोगों को भी याद होना चाहिए, 3-4 साल पुरानी बात है। सही, तो टैक्स के जरिए गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को उठा भी देती है, किसी भी कंपनी को गिरा भी देती है, किसी भी मार्केट को उठा देती है और किसी भी मार्केट को गिरा देती है। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट पढ़ें। थ्रू टैक्स गवर्नमेंट कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। आप लोगों ने बचपन में पढ़े ना मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, तो टैक्स के जरिए गवर्नमेंट डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करती है, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना। तो बच्चे ने कहा साहब जी ये इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो सकती है। मैंने कहा मैं मिसाल आपको देता हूं, आप बड़ा सुकून से और आराम से प्यार मोहब्बत से सुने। चलें, थोड़ी सी स्क्रीन मूव कर रहा हूं। एक वर्ड आप लोगों ने शायद सुना होगा, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम को शॉर्टकट में समझ लो टेक होम पे। टेक होम पे तवज्जो फरमाइएगा। देखें बेटा, सामने आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है डिस्पोजेबल इनकम का, F1 में आपने पढ़ा हुआ है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है टेक होम पे। तो अज्यूम करते हैं कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, मैं खुद कहीं जॉब कर रहा हूं, मेरी वहां जॉब में इनकम है 10,000 की, और उस इनकम पे मुझे डायरेक्ट टैक्स, ऑब्वियसली बात है इनकम पे जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स अभी देना पड़ रहा है 2,000 का। इधर देख लो, तो 10,000 में कमा रहा हूं, 2,000 का टैक्स दे रहा हूं, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी, 8,000। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो नेट इनकम जो मैं घर लेके जाऊंगा, वो नेट इनकम जो मैं घर लेके जाऊंगा, और वो नेट इनकम जो मैं घर लेके जाता हूँ वही मैं खर्च वगैरह करता हूँ। सही, तो अब गवर्नमेंट मुल्क में अचानक से महंगाई बढ़ी, मुल्क में अचानक से क्या बढ़ी, महंगाई बढ़ी। तवज्जो सुनना, तो गवर्नमेंट लोग वालों ने क्या करा होता हूँ, उन्होंने फॉरन से डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। जरा बोर्ड पे देखें, स्क्रीन पे देखें, अभी जो डायरेक्ट टैक्स 2,000 नजर आ रहा है ना, गवर्नमेंट ने उस डायरेक्ट टैक्स को 4,000 कर दिया। तो जरा गौर करना, जब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया तो बताओ डिस्पोजेबल इनकम कम नहीं हो गई होगी, ये डिस्पोजेबल इनकम कम नहीं हो गई, 6,000 हो गई होगी। डायरेक्ट टैक्स बढ़ा तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम यानी टेक होम पे कम हो गई। तो जब पूरे मुल्क के हर बंदे के लिए गवर्नमेंट ने, तवज्जो, पूरे मुल्क के हर बंदे के लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, तो हर आम आदमी की डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, हर आम आदमी की टेक होम पे कम हो गई। तो लोगों के हाथ में जब पैसे कम आए तो लोग अब चीजें भी कम खरीदेंगे, डिमांड कम करेंगे, और जब लोग डिमांड कम करेंगे तो पूरे मुल्क की ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। और आप सबने पढ़ा हुआ है कि जब डिमांड कम होती है तो प्राइस कम हो जाती है, तो पूरे मुल्क में प्राइस लेवल कम हो जाएंगे, तो इस तरह गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेगी। जब प्राइस लेवल कम हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो जाएगी, सोचो। तो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, और डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल पूरे मुल्क में डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली प्राइस कम हो जाएगी, तो इस तरह इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई ना। तो देखो, टैक्स के जरिए गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर ली, टैक्स के जरिए गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर ली। अब तीसरी, चौथी मिसाल, थ्रू टैक्स गवर्नमेंट कैन कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी। ये नाम सुना होगा, मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी। पहले मैं एक दो मिसालें देता हूं आपको, सुनो बेटा। ये अब आप लोग शायद पैदाइश से पहले की बात है, 1998 में मुशर्रफ साहब आए थे, 1998 में मुशर्रफ साहब आए थे, अगर आप लोगों को याद हो। और मुझे उस टाइम पूरा याद है कि मुशर्रफ साहब जब आए ना, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट गिरा दिए, इंटरेस्ट रेट समझ लो, मैं एक मिसाल देता हूँ, 4% कर दिए, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर आप 1 करोड़ रुपए का लोन लेते हो ना, तो आपको सिर्फ 4%, 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है साल का। तो जब इंटरेस्ट रेट गिरता है ना, तो आम आदमी एकदम लोन लेना शुरू कर देता है, जिसकी औकात नहीं भी होती वो भी लोन लेना शुरू कर देता है। तो मुझे खुद याद है, मैं तो उस टाइम होश में था कि जब परवेज मुशर्रफ आए थे ना, तो उस टाइम मैंने रोड्स पे नई रोडों पे नई नई गाड़ियां देखी, हर रोज लोग, हर अगला बंदा नई गाड़ी निकाल रहा होता था, यानी कंज्यूमर फाइनेंसिंग बहुत बढ़ गई थी। उसकी वजह क्या थी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट गिरा दिए, जब इंटरेस्ट रेट गिरा दिए तो आम आदमी आराम से लोन ले सकता है। तो
तो जिसकी औकात नहीं थी उसने भी लोन लेना शुरू कर दिया, तो मार्केट से यानी बैंक से लोन ले लेके मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी, पैसा ही पैसा हर तरफ नजर आने लगा। हाँ, और लोग खूब चीजें खरीदने लगे उधार पे। तो जब लोग चीजें खरीदने लगे, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी, आम आदमी के हाथ में पैसा आया और लोग चीजें खरीदने लगे तो डिमांड भी तो बढ़ी, तो एकदम एग्रीगेट डिमांड पूरे मुल्क में बढ़ गई। और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो एकदम इन्फ्लेशन भी बढ़ी। तो हमें याद है मुशर्रफ के टाइम पे इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई थी कि फिर स्टेट बैंक ने एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी अप्लाई करना शुरू की थी। इस एग्जाम्पल में मकसद क्या था कि याद रखना कि अगर सप्लाई ऑफ मनी बहुत बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। तो अब गवर्नमेंट चाहती है, कई बार गवर्नमेंट चाहती है कि वो सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करे, कई बार गवर्नमेंट चाहती है कि वो सप्लाई ऑफ मनी क्या करे, कंट्रोल करे। तो देखो मैं आपको सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करना सिखाता हूँ यूके टैक्स की एक मिसाल से। आ जाओ यहाँ देखें बेटा, ये एक अकाउंट है यूके में, यूके के अंदर एक अकाउंट है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल्स सेविंग्स अकाउंट, और ये है एक बार्कलेज बैंक। मेरी तरफ देखें, यहां देखें बेटा, ये एक अकाउंट है। आप लोग इंशाल्लाह मेरे साथ ही पढ़ेंगे आगे, जब मैं प्रैक्टिकल टैक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये चीज पढ़ाऊंगा कि अगर मेरी बात को सुने, अगर आप अपने पैसे इस इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट, ये गवर्नमेंट का एक अकाउंट है, इसमें इन्वेस्ट करें ना, तो इस अकाउंट से मिलने वाली जो भी रिटर्न होगा ना वो टैक्स फ्री होगा। टैक्स फ्री होता है इस अकाउंट से मिलने वाली इंटरेस्ट इनकम वगैरह, ये सब टैक्स फ्री होती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखोगे तो वो टैक्स फ्री है, जबकि इसके बरक्स, इसके कंपैरिजन में आप किसी नॉर्मल कमर्शियल बैंक में पैसा रखोगे ना, बार्कलेज वगैरह में, तो वहां आपको अच्छा खासा समझ लो 40% या 30% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ नॉर्मल कमर्शियल बैंक में पैसा लगाओगे तो वहां 30% या 40% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि अगर आप इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखोगे तो वो टैक्स फ्री होगे। अब आप इधर तवज्जो, एज एन इन्वेस्टर आप सोचें तो आप बार्कलेज में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि आप इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखेंगे। तो पूरा शहर, पूरा मुल्क, हर आम आदमी अपना पैसा जब इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में डालेगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सप्लाई ऑफ मनी पूरी गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी, यानी कितना सारा पैसा गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। तो जरा सोचो, मुल्क में सप्लाई ऑफ मनी भी तो कंट्रोल हो जाएगी। जरा गौर करें, सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल हुई वो भी तो थ्रू टैक्स ही हुई, वो भी तो थ्रू टैक्स ही हुई, सोच ले। हाँ हाँ जी, मैं चुप हूं, एक आध मिनट आप देखते रहे। तो मैंने चार बातें बता दी, देख लो, थ्रू टैक्स गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को उठाती भी है, गिरा भी देती है, मार्केट्स को बचाती है, गिराती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करती है। अब देखो एक और पॉइंट लिखा है, थ्रू टैक्स ट्रैफिक इज कंट्रोल। बच्चे ने कहा भाई यार ये क्या बात है। हाँ, बहुत जबरदस्त बात है ये। आप दुनिया भर में डिफरेंट जगहों पे, लंदन में भी, सिंगापुर में, यूएस में, बहुत सारे हर अगले मुल्क में ये हो रहा है। जैसे आपने नाम सुना होगा, लंदन में एक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, मूवीज में ही बहुत दिखाई जाती है, शॉपिंग की बहुत जबरदस्त स्ट्रीट है, सारे ब्रांड्स वहां, बहुत जबरदस्त स्ट्रीट है और दुनिया वहां शॉपिंग करने आती है। तो वहां इतना इंसानों का रश होता है तो कि गवर्नमेंट चाहती है कि वहां गाड़ियां ना आए। तो आप अगर यूके जाएं और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर खड़े होकर किसी अमीर आदमी को भी कॉल करें ना, अपने किसी दोस्त को, और उसको बोलें कि यार मुझसे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे मिलने आ जा, तो वो कभी गाड़ी लेके नहीं आएगा। क्यों? ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से बस आप एक बार गाड़ी गुजारें तो एक बीप बजती है और आपके 30 पाउंड या एक ठीक ठाक पाउंड डिडक्ट हो जाते हैं। यानी उस रोड पे एक बार गाड़ी गुजारने की फीस, एक बार गाड़ी गुजारने का टैक्स 30 पाउंड के करीब है। नहीं समझ रहे? तो अब इतनी महंगी होती है कि लोग क्या करते हैं, आप अगर किसी को बुलाओ ना यार, अपने दोस्त को, कि यार मुझसे मिलने आ जा वहां जो यूके में रहता हो, तो वो बंदा अपनी कार कहीं दूर पार्क करता है और ट्रेन में आता है, बोलता है भाई मैं नहीं आ सकता, इस रोड से गुजरना इतना महंगा है। तो टैक्स के जरिए गवर्नमेंट ट्रैफिक भी कंट्रोल करती है। ऐसी चीजें सिंगापुर वगैरह में भी देखी गई है कि सिंगापुर में भी जो स्टॉक मार्केट वाला जो उनका रोड है वो बड़ा बिजी रोड होता है, तो वहां भी दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं कि अगर वहां से कार अगर आप गुजारें तो उस पर कुछ आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है डॉलर्स में, राइट? तो टैक्स के जरिए गवर्नमेंट ट्रैफिक भी कंट्रोल करती है। थ्रू टैक्स गवर्नमेंट डिस्करेजेस स्मोकिंग। हाँ भाई, इस तरह की जो चीजें, स्मोकिंग वगैरह, ड्रग्स वगैरह, मिनी ड्रग्स वगैरह जो हैं, ये भी टैक्स के जरिए कंट्रोल होते हैं। जैसे
आप कनाडा और अमेरिका वाली साइड पे, कनाडा में एक सिगरेट का पैकेट $10 का है, इतना उस पर टैक्सेस लगे हुए हैं। यूएस में भी अच्छा खासा $8-9 का है। तो इसका मतलब $10 का अगर एक सिगरेट का पैकेट है तो पाकिस्तानी कितने हो गए, 1600 हो गए। आप पियो जाओ सिगरेट पी के बताओ, 1600 रुपए का एक पैकेट है। तो हमारे यहाँ तो वैसे बहुत सस्ता है, लेकिन इन कंट्रीज में बहुत महंगा रखा गया है, ताकि ऑटोमेटिकली जब महंगा हो तो आम आदमी डिस्करेज ही हो जाए, सोचें, राइट। तो ये भी देखो टैक्स के जरिए सब कर सकते हैं। तो ये सारे टैक्सेशन के जरिए सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। एग्जाम में एक बार लिखने आ गए थे, हाँ कभी कभार ये लिखने भी आ जाते हैं, राइट। ओके, तो देखो ये तीन रीजंस हैं टैक्स चार्ज होने के। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहला क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इस पर मैंने थोड़ी सी आपके सामने बात की है। एक दो मिनट रुक रहा हूं, आप देख लें। अब सेकंड फैक्टर्स आर सोशल फैक्टर्स। सेकंड फैक्टर्स हैं आपके पास सोशल फैक्टर्स। चलो सोशल फैक्टर्स क्या है, देखो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भाई टैक्स के बड़े मकासद में है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब एक हाथ से टैक्स लेना, एक हाथ से पैसे लेके दूसरे हाथ में देना, एक हाथ से टैक्स पैसे लेके दूसरे हाथ में देना। ये दिस इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दिस इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और मैं एक बात बोलूं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अच्छी तभी है जब अमीरों से लेकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करें, सही। कि जो लोग मुल्क में ज्यादा कमा रहे हैं तो वो इकोनॉमी से फायदा उठा रहे हैं ना, तो उनसे टैक्स भी ज्यादा लो, और जो बेचारे डिप्रेस हैं उनकी हेल्प करो, ताकि एक थोड़ा सा मुल्क में एक बैलेंस भी क्रिएट हो। हमारे मुल्क में तो ऐसा इतना नहीं है, लेकिन अच्छे मुल्कों में ये है, ठीक है। तो इसी इसी से रिलेटेड ये तीन टैक्स सिस्टम आपने F1 के अंदर भी पढ़े हुए हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स निजाम, प्रोपोर्शनेट और रिग्रेसिव। ये तीन नाम प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनेट और रिग्रेसिव F1 की बुक में भी है ये। आप जरा कान खोल के सुनिए, चलिए तवज्जो इधर, तवज्जो इधर। प्रोग्रेसिव टैक्स निजाम वो टैक्स निजाम है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता है, तो ये प्रोग्रेसिव है, ठीक है। बच्चे ने कहा क्या मतलब, मैंने कहा एक मिसाल देता हूँ लिख के, देखो रिटन एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ देखें, फॉर एग्जाम्पल एक मुल्क है, उनके टैक्स रेट ये हैं 0 to 30,000, 5%, 30,000 to 80,000, 10%, 80,000 एंड अबव, 20। ये देखो आपके सामने बैंड्स बनाए, बैंड्स। इसका मतलब आपकी इनकम अगर सिर्फ 30,000 के अंदर है तो 5% टैक्स है, 30,000 से ज्यादा और 80 से कम है तो आप पहली शुरू की 30,000, पहली 30,000 पे 5%, फिर जो एक्सेस बीच वाला जो स्लैब है उस पर 10%। और अगर आपकी इनकम 80,000 से भी अबव है तो शुरू की इनकम पे 5% 30,000 तक, उसके बाद 10% और फिर एडिशनल इनकम पे 25%। तो देखो ये जो मैंने आपके सामने स्लैब्स बनाए हुए हैं, ये प्रोग्रेसिव निजाम है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है, सही है। और ये बेहतरीन है, दुनिया भर में यही है कि अमीरों पे ताकि ज्यादा बर्डन हो, जो लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाए। नाउ सेकेंड निजाम है, उसका नाम है प्रोपोर्शनेट टैक्स। सेकेंड निजाम है, उसका नाम क्या है, प्रोपोर्शनेट टैक्स। सर ये प्रोपोर्शनेट टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनेट टैक्स का मतलब एक फिक्स टैक्स रेट सबसे लेना। जैसे हमने एक टैक्स रेट रख दिया 10%, टैक्स रेट फिक्स कर दिया 10%। तो अब एक बात सुनो, अगर एक बंदे की इनकम 1 लाख है तो उसको 1 लाख पे 10% कितना, 10,000 पे करना है। किसी की इनकम 3 लाख है तो 3 लाख का 10% 30,000 पे करना है। तो मैंने क्या बोला, प्रोपोर्शनेट में टैक्स रेट सेम होगा, टैक्स सेम नहीं होगा, टैक्स तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन टैक्स रेट सेम होगा। और आखिरी निजाम कौन सा है, रिग्रेसिव। आखिरी निजाम कौन सा है, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव उसका मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट घटेगा,
जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी माय डियर स्टूडेंट, वैसे वैसे टैक्स रेट कम हो जाएगा। बच्चे ने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, इनकम बढ़ने के साथ टैक्स रेट कम हो जाए, दुनिया में ऐसा कोई भी ऐसी भी कोई टैक्स है? हाँ ये रहा, नीचे पढ़ लो। इनडायरेक्ट कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टेंड्स टू बी रिग्रेसिव इन नेचर। नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो रिग्रेसिव इन नेचर के होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव इन नेचर के होते हैं। बच्चे ने कहा ये कैसे, साबित कर दे, कर देता हूं। चलो इधर देखो, सामने देखे, समझाता हूं। देखो अज्यूम कर लो एक बंदा है मिस्टर ए, तवज्जो सुनो, मिस्टर ए उसकी कमाई है 100 रुपए, उसकी इनकम कितनी है 100 रुपए, और आज वो पेप्सी पीने गया। तो आपने देखा है ना, समझ लो पेप्सी पे 5 रुपए का जीएसटी होता है फिक्स। तो अगर ये 100 रुपए कमाने वाला बंदा, मेरी तरफ देखें, ये 100 रुपए कमाने वाला बंदा पेप्सी पिएगा तो उसको भी 5 रुपए का जीएसटी देना है। अब बताओ 5 रुपए इसके 100 रुपए की इनकम के कितने परसेंटेज है? 5 रुपए 100 रुपए का होता है 5%। तो जो बंदा बेचारा 100 रुपए कमा रहा था उसने पेप्सी पी, तो उसको 5 रुपए का टैक्स देना पड़ा और 5% बनता है उसकी इनकम का। अब एक और बंदा है जिसकी इनकम है 1,000 रुपए, एक और बंदा है वो थोड़ा अमीर है, उसकी इनकम है 1,000 रुपए। अगर वो भी जाके पेप्सी पिएगा, अगर वो भी जाके पेप्सी पिएगा तो उसको भी 5 रुपए देने। भाई पेप्सी का तो फिक्स 5 रुपए टैक्स है ना, अंदर लिखा होता है जीएसटी। तो अब मुझे बताओ ये बंदा 1,000 रुपए कमा रहा है, सेकेंड बंदा ये 1,000 रुपए में 5 रुपए दे रहा है ना, तो 5,000, 1,000 का मेरे ख्याल से 0.5% होता है। हाँ तो अब जरा 1 मिनट देखें आप, और करने देखें, जैसे जैसे 100 रुपए से इनकम 1,000 रुपए हुई, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट कम हो रहा है। देखो ना टैक्स रेट नीचे जा रहा है, टैक्स रेट कम हो रहा है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट कम हो रहा है। यही तो रिग्रेसिव है, क्योंकि अमीर आदमी के लिए कम परसेंटेज बनी, गरीब के लिए बेचारे के लिए ज्यादा बन रही होगी। तो तभी कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टेंड्स टू बी रिग्रेसिव इन नेचर। और अब मेरी बात सुनो, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव इन नेचर के है ना, तो अच्छे मुल्क जो होते हैं ना वो नेसेसिटीज पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाते, यानी फूड आइटम्स पे, रोटी और ये जो कि आटा हो गया आपका, देर इज शुगर हो गई और मिल्क हो गया, ब्रेड हो गई, यार ये जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं उन पे अच्छे ममालिक में ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। ओके, कि वरना तो बेचारे गरीबों पे बर्डन आ जाएगा ना। हाँ जो लग्जरीज हैं जो अमीर लोग सिर्फ यूज करते हैं, जो गरीब यूज नहीं करते, आप लगाओ उस पे, आप उस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन नेसेसिटीज बेचारे गरीब लोग भी यूज करते हैं तो उस पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होना चाहिए, उस पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपके सामने तीन निजाम रखे हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनेट और रिग्रेसिव। 1 मिनट अजान हो रही है, मैं चुप हूं। Thank you.
नाउ चलें उसके बाद। तो मैंने आपके सामने तीन निजाम रखे हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनेट एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ेगा। रिग्रेसिव का मतलब, प्रोपोर्शनेट का मतलब सेम टैक्स रेट रहेगा, टैक्स रेट सेम रहेगा जो भी इनकम हो। और रिग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट कम होगा। ओके नाउ एक और वर्ड है बुक में लिखा हुआ है, कंप्लायंस कॉस्ट। कंप्लायंस कॉस्ट, कंप्लायंस कॉस्ट का मतलब कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड टाइम। ये तो इसकी डेफिनेशन है, मैं इसको देसी जबान में समझाता हूँ। यानी ऐसी कॉस्ट का जिसका मतलब धक्के खाना, लाइनों में लगना। यार आप एक बात सोचो, हम लोग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि अगर इनकेस आपको एडमिशन की फीस सबमिट करानी तो इंस्टीट्यूट भी ना हो, आप ऑनलाइन फीस सबमिट करा देना। आपको अकाउंट डिटेल दे रहे हैं यार, जाओ आप ऑनलाइन करा देना। इवन अगर कोई बच्चा सऊदिया में होता है तो हम उसको बोलते हैं यार तुम सऊदिया में ये कि हमारे सऊदी सऊदी अकाउंट में फीस जमा करा दो। कोई दुबई में होता है उससे दुबई के अकाउंट में फीस जमा करवा लेते हैं ताकि उसको इतना भी ना हो, तकलीफ हो कि उसको पाकिस्तान भेजने पड़े। तो समझ लो उसमें उसके धक्के और उसकी फॉर्मेलिटीज कम है। तो कंप्लायंस कॉस्ट में टैक्स के नेचर में आके बात करता हूँ कि अगर टैक्स डिपार्टमेंट फॉर्मेलिटीज बढ़ाता जाए कि यार अगर टैक्स पे करना है तो पहले यहां से फॉर्म लो, फिर वहां से उसको इस 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्ट कराओ, फिर उस लाइन में लगो, फिर यहाँ लगो। अरे भाई इतनी फॉर्मेलिटीज आप करोगे तो लोग तंग आ जाएंगे। तो जितना ये फॉर्मेलिटीज और ये धक्के खाने वाले काम कम होते हैं उतनी कंप्लायंस कॉस्ट कम होती है और उतना लोग टैक्स पे ज्यादा करते हैं। अब तवज्जो सुने, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदार हैं जो टैक्स पे करना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो टैक्स पे नहीं करते बिकॉज ऑफ दिस कंप्लायंस कॉस्ट। क्योंकि वो कहते हैं यार अगर एक बार हम लोग टैक्स नेट में आ गए और हम लोग रजिस्टर्ड हो गए तो फिर हमें इतनी लंबी ख्वारियां करनी पड़ेंगी। तो याद रखना आजकल दुनिया भर के लोग कंप्लायंस कॉस्ट को कम कर रहे हैं, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स कंप्लायंस कॉस्ट को कम कर रही है। तवज्जो सुने, तभी ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल होता है, इवन पाकिस्तान में भी होता है कि आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर लो और अपनी टैक्स पेमेंट्स वगैरह कर दो, आपको टैक्स डिपार्टमेंट जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, इनिशियली मैंने तीन नाम लिखे थे। एक नाम था क्या, इकोनॉमिक फैक्टर्स टैक्स चार्ज करने की एक वजह, दूसरा सोशल फैक्टर्स और तीसरा नाम है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब देखें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, टैक्स के जरिए गवर्नमेंट इन्वायरमेंट यानी पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लेती है। टैक्स के जरिए गवर्नमेंट इन्वायरमेंट यानी पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लेती है, कर पोल्यूशन यानी इन्वायरमेंट को भी कंट्रोल करती है। ओके राइट, मैं एक मिसाल देता हूं। देखें दुनिया में आजकल लो इमिशन कार्स आ गई हैं, यानी इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं। अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर तो वो ओल्ड फ्यूल सिस्टम ही नहीं है ना, वो तो इलेक्ट्रिक से चलती है, चार्जर चार्ज कर लो और उसमें कोई धुआं वगैरह कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, जिन मुल्कों में इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं फुल टाइम, यूएस वगैरह में, तो वहां गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ी ली जिसमें CO2 इमिशन होता है तो आपको $3,000-4,000 का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिकल कार्स ली जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कार में कोई CO2 इमिशन नहीं है तो फिर आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली एक आम आदमी मोटिवेट हो जाएगा उन गाड़ियों को लेने के लिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो ऐसी सूरत हाल में टैक्स के जरिए गवर्नमेंट एनवायरमेंट को भी कंट्रोल कर लेती है, टैक्स के जरिए गवर्नमेंट एनवायरमेंट को भी कंट्रोल कर लेती है। तो तीन नाम मैंने बताए, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नाउ ये एक आखिरी एरिया है। वैसे मैंने अभी कुछ अरसे पहले इस पे एक वीडियो भी बनाई है, मैं अपनी फेसबुक पे डेवलपमेंट वीडियोस भी डालता हूँ, वीलॉगिंग भी करता हूँ, तो अभी रिसेंटली मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है। तो जिन्होंने वो वीडियो देखी उनको तो पता ही होगा ये सारी बातें मैंने उसमें डिस्कस की थी। वैसे मैं पोर्ट्स का हिस्सा है तो यहाँ अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज क्या है, देखो बेटा सीधी बात है, बोर्ड पे आके और स्टेज पे आके बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं लेकिन असली में टैक्स पे करते हुए जान निकलती है यार, साफ बात है। अपनी इनकम का 30-40% देना कौन चाहेगा यार, जान निकलती है। तो हर बंदा, दुनिया भर के लोग टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। तो टैक्स बचाने के, टैक्स सेव करने के,
ये दो तरीके हैं, एक है टैक्स इवेजन और एक है टैक्स अवॉइडेंस। पहले मैं बुकिश बुक से पढ़ा रहा हूं, बुकिश डेफिनेशन आपके सामने पेश करता हूं। इवेजन क्या है? इलीगल तरीका है टैक्स सेव करने का, इलीगल वे ऑफ टैक्स सेविंग। ये पहली लाइन है, देखो, मे रिजल्ट इन पेनल्टीज एंड पनिशमेंट। और अगर इवेजन करते हुए पकड़े गए तो तुम पर पेनल्टीज और तुम पे सजाएं और तुम पे पनिशमेंट वगैरह सब हो सकती है। ठीक है, बच्चे ने कहा इवेजन की कोई मिसाल है, ये रही, देखो लिखी हुई है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ योर इनकम। भाई क्या मतलब? आपकी इनकम है इस साल 1 करोड़ रुपए, मेरी इनकम है लेट अस से 1 करोड़, असल में मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए और मैं गवर्नमेंट के सामने सिर्फ 40 लाख डिस्क्लोज कर रहा हूँ, तो यार ये गलत है, मैंने इनकम छुपा ली है, तो दिस इज इवेजन। 60 लाख रुपए की इनकम छुपा ली तो टैक्स भी तो छुपा लिया ना, तो टैक्स की चोरी है भाई, गलत बात है। इसी तरह ओवर स्टेटमेंट ऑफ योर एक्सपेंसेस, ओवर स्टेटमेंट ऑफ योर एक्सपेंसेस। सर ये क्या है बेटा? हर बिजनेसमैन, आप लोगों ने अपनी लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट का वर्ड सुना है, तो इसी तरह हर बिजनेस अपना टैक्स पे करने से पहले अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाता है। तो इनकम स्टेटमेंट आसान लफ्जों में क्या होती है? इनकम लेस एक्सपेंसेस, इनकम लेस एक्सपेंसेस। तो अगर मेरे इस साल एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं 10 लाख के, मेरे इस साल एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं 10 लाख के, और मैं अगर अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा के 30 लाख रुपए रिपोर्ट कर दूं, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट गिर जाएगा ना, तो और प्रॉफिट गिर जाएगा तो मेरा टैक्स भी बच जाएगा। तो लोग जानबूझ के कई बार आर्टिफिशियली अपने एक्सपेंसेस ओवरस्टेट करते हैं, ये भी गलत है। तो बेटा ये दोनों, इवेजन क्या है, बुकिश चलते हैं, इलीगल वे ऑफ टैक्स सेविंग, सही है, इलीगल वे ऑफ टैक्स सेविंग। जबकि अवॉइडेंस क्या है? अवॉइडेंस है लीगल वे ऑफ टैक्स सेविंग, लीगल वे ऑफ टैक्स सेविंग्स। ये क्या चीज है सुने? यानी कानून के दायरे में रहते हुए टैक्स सेव करना। और अगर ये करोगे तो इस तरह की कोई नो सच थिंग्स का मतलब इस तरह की कोई पेनल्टीज मसले मसाइल वाली बात नहीं है, इस तरह की कोई पेनल्टीज वगैरह नहीं है, सही है। इसकी मिसाल क्या है? मैंने आज ही आपको भी यूके टैक्स की एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप अपना पैसा इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट में रखो तो उस पर टैक्स ही नहीं है, एक सर्टेन लिमिट तक रखो तो कोई टैक्स नहीं है। तो भाई अगर आप अपने पैसा कमर्शियल बैंक के बजाय इसमें डाल दो तो सही है, आपका टैक्स बच जाएगा, और ये गवर्नमेंट ने इसकी इजाजत दी हुई है। ठीक है, तो ये टैक्स अवॉइडेंस हो गई। ये मैंने जो बातें की हैं बुकिश की हैं, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस की बुकिश बातें की हैं, लेकिन जब मेरा सब्जेक्ट टैक्स है ना तो मैं इस पर थोड़ी बहुत रिसर्च भी करता हूँ। तो कई सालों पहले मेरी एक मुलाकात हुई थी एक इनकम टैक्स कमिश्नर से पाकिस्तान में, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी क्या राय है इन दोनों के बारे में, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुस्तफा मेरी नजर में दोनों गलत हैं, मेरी नजर में ये दोनों गलत हैं। सही, तवज्जो सुनो, उन्होंने कहा कि मेरी नजर में टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस दोनों गलत है, बस फर्क क्या बताऊं, इवेजन करते वक्त पकड़े गए तो सजा मिलेगी और अवॉइडेंस करते हुए पकड़े गए तो सजा नहीं मिलेगी। यानी अवॉइडेंस एक ऐसी चालाकी के साथ चोरी करना है कि जिसमें आप फंस नहीं सकते, यानी कानून के दायरे में रहते हुए चोरी कर रहे हो। उनकी नजर में ये था, ये मैं एक प्रैक्टिकल आपको इंसाइट दे रहा हूँ। मैंने कहा सर आपने मुझे बात बोल तो दी, लेकिन बच्चा जो है वो हमसे एग्जाम्पल मांगता है, तो मैंने कहा आप काइंडली एग्जाम्पल दें। तो उन्होंने मुझे दो एग्जाम्पल दी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली एग्जाम्पल देखें, जो पाकिस्तानी टैक्स है ना उसमें एक 6 लाख की लिमिट है आजकल, आजकल कि अगर आपकी इनकम, एक बंदे की इनकम 6 लाख से कम है ना तो आपको फिर कोई टैक्स पे नहीं करना। आपकी इनकम 6 लाख से कम है तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, बहुत गरीब आदमी हो, सालाना इनकम 6 लाख से कम है। अब जरा सुनो यार, मेरी इनकम असलियत में 18 लाख है, मेरी इनकम असलियत में 18 लाख है, तो 18 लाख का मतलब 6 से तो ज्यादा है, तो मुझे तो उसूलन टैक्स देना चाहिए। 18 लाख का मतलब 6 लाख से ज्यादा है तो उसूलन मुझे टैक्स देना चाहिए। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने इस 18 लाख के 3 टुकड़े किए। सुनो, 6 लाख मैंने अपने नाम से डिस्क्लोज कर दिए गवर्नमेंट के सामने, 6 लाख अपनी बेगम के और 6 लाख अपने बेटे के नाम से, तो 6-6 लाख पूरे पूरे डिस्क्लोज तो हो गए, यानी पूरे 18 लाख गवर्नमेंट के सामने चले तो गए, लेकिन टैक्स तो हमें देना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी भी इनकम 6 लाख दिखाई, बेगम की भी 6 और बच्चों की भी 6, तो इंडिविजुअली सबकी 6-6 लाख तक की है, तो हम लोग को एग्जेम्पशन के थ्रू माफी मिल गई, तो टैक्स भी नहीं देना पड़ा जबकि डिस्क्लोजर पूरा हो गया, यानी इनकम हमने पूरी डिस्क्लोज कर दी, कुछ भी नहीं छुपाई। तो ये भी गलत काम है क्योंकि इनकम तो मेरी थी, ये भी गलत काम है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए आप चोरी कर रहे हो। सही, सेकंड एग्जांपल, उन्होंने अपनी लाइफ का एक किस्सा सुनाया, बड़ा मजेदार किस्सा है, सुनना। एग्जांपल नंबर टू,
पाकिस्तान में एक, उन्होंने अपनी लाइफ में सुना है, एक बेवरेजेस कंपनी थी। मैं नाम नहीं ले रहा, नाम लेना मुनासिब भी नहीं है। उन्होंने तो नाम ले लिया था, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है, क्योंकि मैं मुनासिब नहीं है मेरे लेना, आप लोग के लिए रेलिवेंट है। तो उस कंपनी में एक अकाउंटेंट बैठा था, उस अकाउंटेंट के पास एक नॉन करंट एसेट था, तो उसने उसकी कॉस्ट चेक की तो वो 10,000 थी। अकाउंटेंट के पास एक नॉन करंट एसेट था, उसकी कॉस्ट, उसने ये ईयर 2000 का वाक्य है, तो उसकी कॉस्ट उसने देखी 10,000 है, जो गवर्नमेंट के सामने इन्होंने डिस्क्लोज की हुई थी, ठीक है। अकाउंटेंट ने उसी वक्त उस एसेट की मार्केट वैल्यू निकलवाई, तो उस एसेट की मार्केट वैल्यू थी 1 लाख। जरा गौर से सुनना, गवर्नमेंट के सामने कितने पे डिस्क्लोज किया हुआ है, 10,000 रुपए, और उसकी मार्केट वैल्यू है 1 लाख। जरा सुने, तो अगर अभी अभी ये लोग जाके इसको बेचे ना, तो मार्केट वैल्यू में ही एसेट बिकता है, तो 1 लाख का बिकेगा, जबकि कॉस्ट कितनी थी 10,000, तो गेन कितना होगा इस एसेट पे, गेन होगा 90,000 का, इस एसेट पे गेन होगा 90,000 का। और अज्यूम करते हैं मुल्क में टैक्स रेट था 40%, मुल्क में टैक्स रेट कितना था 40%, तो 90,000 पे 40% कितना टैक्स जाएगा, 30,000, 36,000, ठीक है। तो उस अकाउंटेंट ने सोचा कि अगर अभी मैं इस एसेट को बेच देता हूँ, तो मुझे 36,000 का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब उस अकाउंटेंट ने उसी वक्त अपना न्यूज़पेपर खोला, तो न्यूज़पेपर में एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम की एड आई हुई थी। मेरी बात सुने, टैक्स एमनेस्टी स्कीम का मतलब तौबा का दरवाजा खुला है, और हमारे मुल्क में हर अगले 1-2 साल बाद आ जाती है कि अगर आपने अपना टैक्स चोरी किया हुआ है, या छुपाया हुआ है, या पास में टैक्स नहीं दिया, तो अपनी सारी इनकम डिस्क्लोज कर दो, जो भी छुपाई हुई है, जो भी गलतियां की हैं, गुनाह किए हैं, वो सब डिस्क्लोज कर दो, और 2% दे के माफी ले लो, जाओ 2% पे माफी ले लो, सही है। तो उस टाइम भी ईयर 2000 में भी 2% की टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई हुई थी, कि बस 2% पे करके अपने गुनाह माफ करा लो, या जो भी अपने एरर्स हैं वो सही करा लो। तो अकाउंटेंट का दिमाग चलने लगा, सर देखते रहे, सुने मेरी तरफ तवज्जो। अकाउंटेंट ने उसी सेल फोन लिया और टैक्स डिपार्टमेंट को कॉल की, और बोला हमने एक मशीन आपको गलत अमाउंट पे डिस्क्लोज की हुई थी, वो सही करानी है। टैक्स डिपार्टमेंट खुश हो गया, टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ये तो मुर्गा आया। तो टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला क्या मसला है, तो इसने बोला यार ये मशीन हमने असल में 1 लाख की ली थी, ये मशीन हमने असल में 1 लाख की ली थी, लेकिन आप लोगों के सामने 10,000 की डिस्क्लोज की थी, तो ये 90,000 का हमने एक एरर किया हुआ था, ये 90,000 का एरर प्लीज करेक्ट कर दें। तो टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा खुशी खुशी उन्होंने बुलाया, और टैक्स डिपार्टमेंट ने ये 90,000 का एरर सही कर दिया, और उस वक्त 2% इनसे चार्ज कर लिया। तो 90,000 का 2% होता है 1,800, तो टैक्स डिपार्टमेंट ने 1,800 रुपए चार्ज किए, और बड़े खुश भी हो गए, और इस 10,000 की मशीन को 1 लाख में कन्वर्ट कर दिया, अपनी सब किताबों में 1 लाख में कन्वर्ट हो गया, सही है। तो अब ये टैक्स की नजर में कितने की, वो 1 लाख की। वेरी नेक्स्ट ईयर अकाउंटेंट ने इस एसेट को मार्केट में बेचा, तो मार्केट में ऑब्वियसली बात है, मार्केट वैल्यू में बिका होगा, तो प्रोसीड्स कितनी आई होगी, 1 लाख, और अकाउंटेंट ने गवर्नमेंट की नजर में इसकी कॉस्ट भी कितनी कर दी थी, अकाउंटेंट ने गवर्नमेंट की नजर में इसकी कॉस्ट भी 1 लाख कर दी थी, तो इसका अब गेन कितना हुआ, जीरो, कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ा। जरा सोचें, जिस चीज पे 36,000 टैक्स जा रहा था, उस पे सिर्फ 1,800 रुपए टैक्स देके जान छुड़ा ली, बात ही नहीं समझा भाई। अगर ऑफिशियल टैक्स देते ना, तो 36,000 देना पड़ता, लेकिन 1,800 रुपए देके जान छुड़ा ली। और वो टैक्स कमिश्नर मुझे बोल रहे थे, मुस्तफा हमें पता है कि उसने हमारे साथ इतनी बड़ी गेम की, लेकिन बोला हम कुछ कर भी नहीं सकते, अपने हाथों से उसको करेक्ट करके दिया था, यानी उसने इतना चालाकी से एमनेस्टी का फायदा उठाया, और अपने हाथ से उसने उस चीज को करेक्ट करके 10,000 की चीज को 1 लाख में कन्वर्ट करा दिया, और 2% दे दिया बजाय 40% के, असल में टैक्स बनता था 40, लेकिन 2% पे देके जान छुड़ा ली। तो देखें, टैक्स अवॉइडेंस भी गलत काम है, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस एक ऐसी चालाकी से टैक्स चोरी है, जो टैक्स नेट के अंदर रहते हुए की जाए, कि उस पर आपको कोई सजा भी ना हो सके, ठीक है। ये उसका प्रैक्टिकल एडवाइस थी, लेकिन अगर आप बुकिश चलेंगे, तो बुकिश सिंपल ये है कि टैक्स इवेजन इलीगल तरीका है टैक्स सेवन का, और टैक्स अवॉइडेंस लीगल तरीका है टैक्स सेव का, ठीक है। ये बुकिश है, देख लें एक नजर, ये एग्जाम्पल एक नजर देख लें। चलें आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, अब इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसकी वो सेंड करूंगा, जो भी है नेक्स्ट क्लास का सेटअप। अच्छा याद रखना, देखो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, और कई बार हम लोग ऐसे भी, जब शुरू शुरू में ये चेंजेस हुई थी ना कोर्स में,
तो हम लोग ऐसे ही पढ़ाते थे कि यार जब पहली क्लास में बस टाइम पास करने के लिए, लेकिन भाई ये एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, इवेजन अवॉइडेंस आ चुका है एग्जाम में, एग्जामिनेशन में ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह आ चुके हैं कि टैक्स क्यों चार्ज होता है। तो बेटा अब ये जो ACCA लेवल पे सिलेक्टेड स्टडीज हराम है, यानी आपने पूरा कोर्स करके जाना है, ये जहन में रखना अपने डे वन से, ठीक है? चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।